हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो ये पैकेट लिया है मैंने और कुकर को रख दिया है गैस पर। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके रखा है अभी मैंने और पैकेट को कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद कुकर को मैं ढक दूँगी और 2 से 3 मिनट बाद चेक करूँगी तो पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो जाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बनकर रेडी हो चुके हैं। तो बस अब इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी फली की सब्जी, तो इसे ही बॉईल होने के लिए मैं रख रही हूँ। मैंने फली को पहले अच्छे से वॉश कर लिया है और बस अभी कुकर में ऐड करके पानी ऐड कर दिया है और कुकर को बंद करके इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी। बहुत से लोग इसे बिना बॉईल करके बनाते हैं लेकिन मैं शुरू से इसे बॉईल करके ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह है और भी थोड़े बहुत बर्तन पहले के रखे हुए थे, तो साथ ही साथ मैं उनको भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे बनाना है डिनर। तो और भी बर्तन निकलेंगे तो इन जो बर्तनों को है मैं क्लीन करके रख दूंगी। तो यहाँ पर अभी मैं कुकर को ओपन कर रही हूँ क्योंकि फली भी अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। तो बस इन्हें मैं किसी छलनी में निकाल दूँगी जिससे इनका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा और ये ठंडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे छलनी में निकाल दिया है और नीचे मैंने वही कुकर रख दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो तो निकल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज फ्राइडे ही है और मैंने अपना एक ब्लॉग दोपहर में ही एंड किया था और अभी इवनिंग में दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। सो, मैं इस टाइम आई हूँ अपनी बालकनी में और मैंने जो अभी फेस वगैरह वॉश किया था तो गर्मी काफ़ी लग रही थी तो मैंने बस बालों को क्लच कर लिया है। और आपको थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आ रही होगी सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ये यहाँ पर AC चल रहा है, मेरे हस्बैंड अंदर हैं तो इग्नोर कीजिएगा इसे। और मैंने आप लोगों से बोला ही था कि मैं आपके साथ अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करूंगी, मैं डिनर में क्या बनाऊंगी वो सब आपको दिखाऊंगी। इवनिंग का टाइम तो हो रहा है लेकिन मैं चाय नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने मॉर्निंग में तो ली थी आधे कप चाय और मैं दोनों टाइम नहीं ले रही हूँ अभी क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रखी है। देखती हूँ लस्सी बना लूँगी अभी हस्बैंड से पूछ के, अगर वो भी पियेंगे तो। दही रखा हुआ है डिनर में। आज मैं बना रही हूँ फली की सब्ज़ी, मैंने उसे बॉईल करके तो रख ही दिया है। बस अभी जब वो ठंडी हो जाएंगी तो उनको मैं छील लूँगी और उनके टुकड़े कर लूँगी, मीन्स एक में से 2 पीस कर लूँगी। तो बस फली की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी रायता, चपाती और राइस की मैं सोच रही हूँ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ क्योंकि बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी रखी हुई है। तो यही हमारा डिनर हो जाएगा। और अभी इस टाइम बालकनी में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि शाम के टाइम अच्छा लगता है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है। मीन्स अभी इतना ठंडा तो नहीं हो रहा है कि हवा तो गर्म ही चल रही है लेकिन अंदर से तो बाहर अच्छा लगता है। पूरे दिन घर के अंदर रहते हैं तो बाहर फ्रेश फ्रेश फील होता है और बाहर का नज़ारा देखने में अच्छा लगता है। तो बस अभी थोड़ी देर मैं बालकनी में ही रहूँगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अभी फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं तरबूज को कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है इसका जूस। वैसे मैं लस्सी बनाने की सोच रही थी लेकिन फिर मैंने अपने हबी से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि तरबूज रखा हुआ है उसी का जूस बना लो। तो इसीलिए मैं तरबूज को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। मैं रफली चॉप कर रही हूँ इसे क्योंकि मुझे जूस बनाना है इसका। तो बस मैं बनाऊँगी उसे जूसर से। यहाँ पर मैंने सारे तरबूज को कट कर लिया है और ये है जूसर। तो इसमें मैं ग्लास को रख दूंगी और साथ ही एक प्लेट भी रख दूंगी, जो भी इसका वेस्ट निकलेगा, जो बीजे वगैरह निकलेंगे तो वो इसमें आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं जूस निकाल रही हूँ और
थोड़े थोड़े पीस को इसमें ऐड करती जाऊंगी और जूस को निकालती जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गिलास जूस बनकर तैयार हो चुका है और इसे मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। साथ में इसमें कुछ आइस क्यूब्स भी ऐड कर दूँगी क्योंकि जूस वगैरह जो है वो ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो ये जूसर मुझे काफ़ी पसंद है, मैं इसमें किसी का भी जूस आसानी से घर पर निकाल लेती हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि जूस बिल्कुल फ्रेश होता है और तुरंत बनाकर हम पी सकते हैं। तो ये जूसर मैंने लोकल मार्केट से लिया है, मुझसे पूछा भी गया था कि आपने ये जूसर कहाँ से लिया है, ऑनलाइन लिया है, तो मैंने ये जूसर लोकल मार्केट से लिया है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 350 या 400 के अंडर मैं ये मैंने लिया था, करेक्ट रेट मुझे नहीं याद। और यहाँ पर दूसरा ग्लास जूस बनकर भी रेडी हो चुका है तो इसे भी मैं उसी बर्तन में निकाल लूँगी। तो तरबूज का जूस बनकर तैयार है और इसे मैंने छान लिया था, वैसे इसे छानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं कोई भी जूस बनाती हूँ निकालती हूँ तो उसको छान जरूर लेती हूँ। तो इसे मैंने अभी ग्लास में निकाल लिया है। तो ये है ठंडा ठंडा तरबूज का जूस बनकर तैयार, आप लोग भी आ जाइए एंजॉय करने के लिए। जूस पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैं डिनर बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने गैस पर रख दी है एक कढ़ाई और इसमें एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई लहसुन। मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियों को छीलकर कूट लिया है और इसे मैंने ऐड कर दिया है और बस इसको मैं थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी और फली को भी मैंने छीलकर उसके 2-2 पीसेस कर लिए थे एक फली के, और उसको जो है हाथों से दबाकर उनमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ क्योंकि लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक सब ऐड कर दिया है मैंने इसमें और साथ में डाला है थोड़ा पानी ताकि मसाला जले ना। और अब मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता, तो मैं सिर्फ एक कटोरी ही रायता बनाऊँगी। मेरी आदत है कि हम लोग जितना खाते हैं तो उतना ही उसी टाइम फ्रेश रायता मैं बनाती हूँ। तो मैंने दही को जो है अच्छे से मिक्सर में घुमा लिया है और उसमें मैंने चीनी, काला नमक और रायता मसाला सब ऐड कर दिया है। इसके बाद बस अब मैंने इसमें बूंदी ऐड कर दी है और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सूखा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो बस अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए और यहाँ पर जो है मसाला भी अच्छे से भुन रहा है। तो मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें जो फली है वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि जब मैं इसमें फली ऐड करूँगी तो वो एकदम सूखी सूखी ना लगे। और यहाँ पर मैं इनमें फली ऐड करती जा रही हूँ इन्हें अलग करते हुए क्योंकि जब मैंने हाथों से दबाया था तो ये चिपक गई थी सारी, तो अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि मसाला इनमें अच्छे से कोड हो जाए और इसे कुछ मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, तो मैंने इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हमें इसे कुछ टाइम के लिए फ्राई करना है तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें कुछ टाइम के लिए फ्राई कर लिया है, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया और बस इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो हमारी फली की सब्ज़ी बनकर रेडी है और मैं इसे हमेशा ऐसे ही सिंपल तरह से बनाती हूँ, ऐसे ही हमें अच्छी लगती है, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई इसे बॉईल करके बनाता है, कोई इसे बिना बॉईल करके बनाता है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और अब साथ ही साथ मैं चपाती भी सेक लूँगी। इसके बाद मैं बनाऊंगी नमकीन राइस, तो उसके लिए मैंने बड़ी सोया चंक्स को भिगोकर रख दिया है क्योंकि उन्हें फूलने में टाइम लगता है। मेरे पास छोटी वाली चंक्स भी हैं लेकिन आज मैं बड़ी वाली ऐड करूंगी और जब वो भीग जाएंगी अच्छे से फूल जाएंगी तो उनका मैं एक्स्ट्रा पानी निकाल दूंगी और एक में से 2-2 और 3-3 पीस कर दूंगी। और साथ ही मैं डालूंगी एक आलू, तो उसको भी मैं चॉप कर लूँगी, बाकी सारी चॉपिंग भी कर लूँगी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च। तो पहले मैं चपाती सेक लेती हूँ
और फिर बनाऊंगी राइस, और राइस को भी मैं अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दूंगी। यहाँ पर रोटियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो अब मैं बना रही हूँ नमकीन राइस। उसके लिए मैंने रख दिया है एक कुकर, और इसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूंगी और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच जीरा, साथ में डालूंगी एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 तेज़पत्ते, और कोई खड़े मसाले नहीं डालूंगी मैं इसमें। उसके बाद मैंने इसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च को ऐड कर दिया था। कैमरा ऑफ था इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो हरी मिर्च प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर। तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, इसे भी कुछ टाइम के लिए फ्राई कर लूंगी ताकि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें कटे हुए आलू, इनको मैंने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में इसमें मैं डाल दूंगी सोया बड़ी, ये बड़ी वाली सोया चंक्स हैं तो इनको मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और साथ में डाल दूंगी नमक। अभी जितनी ये सोया बड़ी और आलू हैं उस हिसाब से मैं इसमें थोड़ा नमक ही डालूंगी ताकि ये फीकी फीकी ना लगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमें इन्हें थोड़ी देर तक फ्राई करना है, एकदम मैं इसमें राइस नहीं डालूंगी, इन्हें कुछ टाइम के लिए फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैं डालूंगी मसाले, तो बस 1/4 चम्मच के करीब रेड चिल्ली पाउडर डाला है मैंने इसमें, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में मैं डाल रही हूँ बिरयानी पुलाव मसाला, ये भी मैंने 1/2 चम्मच से कम ही ऐड किया है। और इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं राइस ऐड कर दूंगी जिन्हें मैंने पहले ही वॉश करके भिगो कर रख दिया था, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं एकदम इसमें पानी ऐड नहीं करूंगी, इसे थोड़ा सा जो है मैं फ्राई करूंगी राइस को। कभी भी आप पुलाव या बिरयानी या नमकीन राइस कुछ भी बनाएं तो उन्हें थोड़ा सा जो है फ्राई ज़रूर करें, उसके बाद ही इसमें पानी ऐड करें। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी राइस के हिसाब से और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ा ही नमक डाला था पहले इसमें, अब मैं पूरे राइस के हिसाब से नमक डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें मैं डालूंगी देसी घी, इससे जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। कभी भी आप पुलाव बिरयानी कुछ भी बनाएं तो उसमें ऊपर से देसी घी ज़रूर डालें। तो 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं कुकर को बंद करके 2 विसल आने तक इन्हें पकने दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमकीन राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं हम दोनों के लिए डिनर निकाल लूँगी। तो मैंने एक ही प्लेट में खाना रख लिया है क्योंकि हम दोनों साथ में ही खाएंगे। यहाँ पर ये है फली की सब्जी और साथ में है बूंदी का रायता। लंच में मैंने जो बड़ी की सब्जी बनाई थी उसे भी ले लिया है गर्म करके। चपाती हैं, नमकीन राइस हैं जो बनाए हैं अभी। तो बस ये है आज का हम लोगों का डिनर। तो फ्रेंड्स, अपने इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो उनसे मैं बोलूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन बटन, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।